सेक्शन 177 ऑफ डीएमसी एक्ट हाउस टैक्स खत्म किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं उससे दिवाला निकल जाएगा, दिवाला नहीं निकलेगा, उसकी थोड़ी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करने से उसमें म्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाले जो म्यूटेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, और म्यूटेशन फीस जो अभी बहुत कम है, 100 रुपये 150 रुपये लगती है, जिसकी वजह से बहुत रिश्वत आपको कई 1000 रुपये देनी पड़ती है, म्यूटेशन फीस खत्म कर देंगे। कन्वर्जन फीस से मुक्ति दिलाएंगे, पूरे दिल्ली के व्यापारी कन्वर्जन फीस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके कई सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कन्वर्जन और जो पार्किंग उसके अंदर इंक्लूडेड है उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। और एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए आज ये जितने ठेके हैं वो इनके भाई भतीजों को मिलते हैं, जितने होर्डिंग हैं, जितने पार्किंग हैं, मतलब इसके ऊपर पूरा माफिया का कब्जा है। तो जैसे दिल्ली सरकार ने पिछले 2 साल में हमने 5 बड़े बड़े माफिया को दिल्ली के अंदर ख़त्म किया है, शिक्षा माफिया, बिजली कंपनियों का माफिया, टैंकर माफिया, दवाइयों का माफिया और ठेकेदारों का माफिया, इन 5 माफिया की कमर तोड़ दी है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में। हम लोग देखते हैं हर बरसातों के अंदर पूरी दिल्ली एक तरह से नदी की तरह बन जाती है, चारों तरफ सड़क के ऊपर पानी होता है, और उसका कारण ये होता है कि ये जितने नाले हैं ये MCD के अंडर में आते हैं, इनके डीसिल्टिंग के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो कागज़ों में होती है, सफाई नहीं होती नालों की, और चारों तरफ पानी होता है। तो इन नालों की डीसिल्टिंग अच्छे से कराई जाएगी, और हमें उम्मीद है इसी साल काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगले साल तक दिल्ली के अंदर जो बरसातों में पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ, ये आम आदमी पार्टी का जो आज मैनिफेस्टो है उसका टैगलाइन है, अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। उनसे तो नहीं हो पाई 10 साल में, उनसे नहीं हो पाई, लेकिन अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। तो पहले दिल्ली को साफ करने पे ही आ जाते हैं, 1 साल के अंदर हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, दिल्ली के नालियों की सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में आप जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, चारों तरफ कितनी साफ सफाई मिलती है, तो इसकी तकनीक अवेलेबल है। तो जो भी दुनिया भर में बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लेके आएंगे, उस टेक्नोलॉजी के को अपने सफाई कर्मचारियों को मुहैया कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से नगर निगम पे कुशासन है, पूरे दिल्ली को BJP ने MCD के जरिए कूड़ा घर बना दिया है, सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं, और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। नगर निगम में भ्रष्टाचार है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पूरे दिल्ली के लोगों को दुखी करती है वो है गंदगी चारों तरफ, और उसकी वजह से चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है, और उसकी वजह से चारों तरफ डेंगू है, चिकनगुनिया है, बीमारियां फैलती है। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सफाई करने में बिल्कुल नाकाम रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा,